दोस्तों मैं देखता हूँ ये मेरा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर काफी मेंबर्स है, मतलब 88,000 करीब के मेंबर्स हो गए हैं वहाँ पर ग्रुप में, और वहाँ पर काफी लोग बाई सेल करते रहते हैं। तो वहाँ पर काफी लोग ने मतलब कुछ मैं देखा, मैं कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ ग्रुप में कि मतलब कि बंदे लोग जो मतलब कैबिनेट्स हैं या कुछ SMPS है, ये सब चीज के मामले में थोड़ा मतलब थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे हैं। मतलब उनको मतलब कुछ ऐसे चीज नहीं खरीदना चाहिए, ऐसी पर्टिकुलर कैबिनेट या SMPS नहीं खरीदना चाहिए, वो जो उन लोग ले लेते हैं ठीक है। कैबिनेट लेने के बाद या वो लोग SMPS लेने के बाद फिर उन लोग ग्रुप में अपना जो क्या फेसबुक ग्रुप है उसमें पोस्ट करते हैं कि ये मैंने ले लिया है तो मुझे प्लीज बताओ ये कैसा कैबिनेट है या कैसा SMPS है। अरे भाई ले लिया उसकी बात पूछ रहा है यार कि क्या मतलब सही किया लेके या क्या फायदा। तो ये तो मुझे एक मूवी का एक सीन याद आ गया है, आपको मैं बताता हूँ, आपने सुना होगा कि अरे भाई वो लाल बटन देख रहे हो, हाँ मैंने दबा दिया, वो नहीं दबाना था, व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो, नहीं दबाना था। तो भाई अब दबा दिया ना बटन तो गए, वही बात हो गया जब तूने ले लिया उसी बात पूछ रहे हो भाई कि मतलब कैसा है ये कैबिनेट, ये कैसा है SMPS यार। तो मतलब क्या बोलो यार कि मतलब वो लेने के बाद यार मतलब ऐसे ऐसे मतलब बेकार बेकार SMPS उठा लेते हैं या बेकार बेकार कैबिनेट उठा लेते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि दोस्तों की जो बजट कैबिनेट है मतलब अंडर 3000 रुपीज या आपका जो बेस्ट SMPS है, एक मैं SMPS तीन चीजों डिवाइड किया हूँ, एक 450 वाट, एक 550 वाट, एक 650 वाट, सबसे यही तीन सबसे ज्यादा लोग लेते हैं। तो मैं सोचा ये आप लोगों को तीन बताऊं क्योंकि मैंने SMPS के में मैंने भी देखा है यार SMPS 450 वाट उठा लाते हैं, कोई मतलब अजीब मतलब बेकार से SMPS उठा लाता है यार ठीक है। जैसे अपना एंड स्पोर्ट्स का हो गया या 450 वाट मतलब सस्ते के चक्कर में मतलब वो बेकार SMPS देते हैं यार, वो एंटी स्पोर्ट्स का 1050 TI तक जला देता है वो कैबिनेट वो SMPS ठीक है। तो मैं ये एंटी स्पोर्ट्स का पर्टिकुलर बस कैबिनेट SMPS की बात कर रहा हूँ, बाकी उनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो मैं आज इसलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मतलब जो कैबिनेट है वो अंडर 3000 रुपीज और जो SMPS है आपका 450 वाट में बेस्ट कौन सा है वो भी बजट में बताऊंगा, मतलब हाई मॉडल का बहुत महंगे वाले नहीं बताऊंगा, जो मतलब आप बजट में देख रहे हैं और सबसे बेस्ट जो हो वो वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छा। और 550 वाट में बताऊंगा और 650 वाट बताऊंगा, और कैबिनेट में अंडर 3000 रुपीज बताऊंगा। अंडर 3000 मतलब अंडर 3000 का या उसके नीचे का ठीक है, 3100 200 3300 ये ऐसा मत बोलना भाई आप लोग यार 3000 में ले रहा है ये कैबिनेट, उससे अच्छा 300 रुपये 200 रुपये 400 रुपये मिला कि ये कैबिनेट, वैसा भी नहीं वैसा, अगर वैसा बताना है तो मैं 3500 के अंदर बताऊंगा, फिर आप बोलोगे 3500 में ये कैबिनेट ले रहा है तो उससे अच्छा 200-300 रुपये मिला के आप मतलब 4000 पहुंचा दोगे, मतलब वही हो जाता है कितना भी बोलो लोग बोलेंगे यार 200-300 रुपये और मिला के 400 रुपये मिला के और मिला के ये अच्छा हो जाना था ठीक है। जब कुछ भी सजेस्ट कर लो लोग यही बोलेंगे 200-300 रुपये या 400 रुपये मिला के ऐसे ही होता है। अगर 5000 का कैबिनेट सजेस्ट करोगे ना तो बोलेगा यार 400-500 रुपये मिला के यार इतना 5000-400 रुपये का ये कैबिनेट अच्छा था, तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा 3000 का कैबिनेट का मतलब 3000 या उसके नीचे का अंदर का कैबिनेट जो बेस्ट कैबिनेट आपका कौन सा होगा। तो सबसे पहला मेरा चॉइस होगा एंड स्पोर्ट्स का है यार, बहुत मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला सबसे अच्छा ब्रांड कैबिनेट के मामले में भी यार मतलब बजट कैबिनेट के मामले में है एंड स्पोर्ट्स का आइस, एंड स्पोर्ट्स का बोलूंगा आइस A20AG जो मॉडल है ये बहुत तगड़ा कैबिनेट है, और मतलब 3000 के नीचे का अगर देख रहे हैं ना भाई कैबिनेट तो इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। ये आपको MD कंप्यूटर मिल जाएगा 2650 रुपये में, 2650 आपको मिल जाएगा MD कंप्यूटर, चाहे तो आप यहाँ के जाके ले सकते हैं। उसके बाद है एनटेक NX230, ये मतलब बहुत सिंपल और बहुत अच्छा कैबिनेट है, आपको साइड पैनल भी ट्रांसपेरेंट पैनल मिल जाएगा, ये बहुत सुंदर कैबिनेट है, सिंपल सुंदर है, और फ्रंट में एक स्ट्रेट से एक RGB आपको लाइन मिल जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है कैबिनेट, लुक्स वाइज भी बहुत अच्छा है कैबिनेट, और एनटेक मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा ही होगा, और ये आपको 2999 मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद है डीप कूल मैट्रिक्स 40 है कैबिनेट, ये आपको 2900 में मिल जाएगा आपको, और ये अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको, या मेरे वेबसाइट में जाके वहाँ पर जो
सपोर्ट नंबर जो दिया हुआ है 9748-6969, उसमें भी आप मेरे को व्हाट्सअप करके टेक्स्ट करके व्हाट्सअप में टेक्स्ट करके आप मुझसे प्राइस और प्राइस बोल रहा हूँ मतलब आप मुझसे खरीद सकते हैं बाई करके पर्सनली कॉन्टैक्ट में चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। आप मुझे कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई और डिटेल आपको प्राइस दे सकती हूँ किस तरह से शिपिंग होगा मैं आपको पूरा डिटेल दे दूँगा। तो ये तीन कैबिनेट सबसे बेस्ट लगा मैंने देखा बहुत 3000 के नीचे अगर ले रहे हैं तो ये तीन कैबिनेट में से आपको जो पसंद है उनमें से इन तीनों में से कोई भी आप जा सकते हैं। अब SMPS में जो है बहुत SMPS बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको PC को मतलब चलाने में आपको पावर वो पावर देता है वो आपको वही पावर सप्लाई देता है तो आपको पावर सप्लाई में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यार मैं देख रहा हूँ ये कि यार एक दो बंदे यार मतलब 800 वाट का जेबोनिक्स या ऐसे या एंटी स्पोर्ट्स का मतलब 450 वाट है 2000 रुपये मिल जाता सस्ता में सस्ते के चक्कर में यार मतलब ये सब ले लेते आइटम ये सब मत लो भाई प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ ये सब आपका कार्ड खराब कर देगा यार 1050 DI तक जला देता है यार एंटी स्पोर्ट्स का 450 वाट यार क्योंकि मेरे ख्याल से 1050 DI के लिए बहुत मोर देन इनफ है ठीक है। वो सर वैसे कार्ड बहुत खराब हुए हैं और कार्ड खराब हुए हैं उस SMPS के चक्कर में काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहा है यार मेरे ये आपसे लिया था ये एंटी स्पोर्ट्स का 450 वाट ये आपका अभी खराब हो गया मेरा भी ये सब तो इसलिए मैं भी एंटी स्पोर्ट्स का और ज़्यादा मतलब SMPS के मामले में बोल रहा हूँ कि मतलब सजेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले आपको मैं SMPS 450 और जैसे आपको बताया था 450 550 650 ये तीन में बताऊँगा और 450 में आप खरीद रहे हैं अगर आप 450 में एनटेक का VP 450 जो है ये बहुत अच्छा SMPS लगा मुझे इस मतलब सबसे बजट में और देखिए आप कुछ मतलब 500-700 रुपये मिलाएंगे तो कूलर मास्टर का मिल जाएगा लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि अगर बजट में भी हो और बेस्ट में भी हो जो ग्राफिक्स कार्ड को या पूरे PC को अच्छे से हैंडल कर सके तो ये एनटेक का VP 450 भी बहुत अच्छा है और ये आपको 2400 में मिल जाएगा आपको और ये अमेजोन या आपका MD वेदा में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है या आपको प्राइस ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़िया कहीं नहीं मिलता तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 550 वाट में सिल्वर स्टोन का जो Viva 550 SMPS है वो उसमें आप ले सकते हैं आपको ये आपको मेरे ख्याल से 3150 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगा और ये मुझे बहुत बेस्ट लगा इस मतलब बजट मतलब अच्छे प्राइस में भी हो और आपका मतलब 550 वाट के हिसाब से आपको जो PC आपका रिक्वायरमेंट है या आपका जो GPU का रिक्वायरमेंट आपको आराम से वो GPU को आराम से रन कर सके विदाउट कोई मतलब कोई ख़राब ना हो या कुछ ना हो तो यार इसमें या SMPS में आप जा सकते हैं। उसके बाद 650 वाट मेरे ख्याल से जो बंदा 650 वाट लेगा जो SMPS मेरे ख्याल से उसका ऑब्वियसली मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसका मतलब ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा हाई हो थोड़ा मतलब थोड़ा महंगे वाले हो सकते हैं इसलिए वो 650 ले रहा है। इसलिए मैं बहुत कोशिश मतलब सोचा कि 650 वाले बंदे का थोड़ा सा बेटर मतलब थोड़ा और अच्छा SMPS देने का मैं कोशिश करूँ ठीक है। तो आपको लेना चाहिए यार कूलर मास्टर का 650 वॉट का पड़ेगा MW सीरीज है और ये 80 प्लस ब्रॉन्ज PSU है ये बहुत अच्छा PSU है और इवन मैंने भी काफ़ी यूज़ किया पहले भी और मेरे काफ़ी बंदे लोग भी यूज़ कर रहे हैं मेरे काफ़ी कस्टमर लोग भी यूज़ कर रहे हैं अभी तक कोई कंप्लेन या कभी कुछ इशू नहीं आया उन लोग का और ये आपको पड़ जाएगा मेरे ख्याल से 4600 के आसपास में पड़ जाएगा और इसको आप अमेजोन में भी चेक कर सकते हैं MD वेदान कहीं भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता अच्छी प्राइसिंग में तो मेरे को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सो इसलिए बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप जब खासकर SMPS और SMPS लेते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के लीजिए और मतलब 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में थोड़ा मतलब ऐसे आती पाती या थोड़ा मतलब थोड़ा लो परफॉर्मेंस वाला SMPS मत लीजिए यार। और ये भाई GigaByte के प्रोडक्ट से तो GigaByte के SMPS से तो दूर रहना क्योंकि GigaByte के बहुत कंप्लेंट्स आए हैं भाई। और दोस्तों फाइनली आज का वीडियो भी होप इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मैंने आपको दिया है अच्छा लगा होगा या काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर लेना भाई। जय हिंद।